तो दोस्तों आज हो गई है 23 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव अमित शाह ने बिना मास्क लगाए कैराना में घर घर किया है प्रचार, चुनाव आयोग के नियमों की उड़ी है धजिया, चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं सवाल। आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर के लोगों से भाजपा उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए वोट मांगे, लेकिन इस दौरान चुनाव आयोग के तमाम नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती देखी गईं। दरअसल दोस्तों घर घर प्रचार के दौरान अमित शाह के चेहरे पर कोई भी मास्क नहीं था। कोरोना की तीसरी लहर में लागू प्रतिबंधों के बावजूद अमित शाह बिना मास्क लगाए ही घर घर जाकर के लोगों से मिले और बीजेपी को वोट देने की अपील की। इसके अलावा इस पूरे दौरान शाह के साथ भारी भीड़ भी देखी गई, जबकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार घर घर प्रचार में केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। इसी नियम के उल्लंघन के आरोप में नोएडा में कांग्रेस के प्रचार के लिए आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अमित शाह पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर के अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है अमित शाह पर। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाएगा किसान मोर्चा, बीजेपी को वोट नहीं देने की चेतावनी। आप लोगों को बताते चलें पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संघों ने एक बैठक की है और आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए केंद्र सरकार के विरोध में 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला किया गया है। किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित वादा किया था कि आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे और शहीद किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा, एमएसपी पर एक समिति बनाई जाएगी, लेकिन सरकार ने कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है, इसलिए सरकार को चेतावनी जारी कर दी है किसान मोर्चा ने, और बीजेपी को वोट नहीं देने की जनता से अपील करेगा किसान मोर्चा और भाजपा के खिलाफ प्रचार भी करेगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों बता चले आप लोगों को, अपने ही क्षेत्र में घिरे हैं केशव प्रसाद मौर्य पूर्व आईएएस का तंज, जब डिप्टी सीएम का यह हाल है तो विधायकों की क्या स्थिति होगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद वह सिराथू के गुलामीपुर पहुंचे थे जहां पर महिलाओं ने उनका जमकर के विरोध किया है। इतना ही नहीं, महिलाओं ने उनके मुंह पर दरवाजा तक बंद कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है और जबरदस्त तरीके से भाजपा की अफजियत हो रही है। इस बीच पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए यहां पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अपनी ही विधानसभा सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत कुछ ऐसे हुआ, जब डिप्टी सीएम की लोकप्रियता का ये आलम है तो विधायकों की क्या स्थिति होगी। किसी सरकार के खिलाफ जनता का ऐसा गुस्सा उत्तर प्रदेश में दशकों बाद देखा जा रहा है। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि सिराथू में गुंडे बदमाश दौड़ाए जा रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, जनता गरिया रही है, अगर सिक्योरिटी ना हो तो जनता कुटाई भी कर दे। ये यहां पर कहना है समाजवादी पार्टी का। ये यहां पर मामला सामने निकल के आया दोस्तों, लगातार भाजपा के नेताओं का विरोध हो रहा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, आजम खान ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा चुनाव में शामिल होने और कैंपेन के लिए मांगी है जमानत। जी हां दोस्तों, रामपुर से सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है चुनाव में शामिल होने और कैंपेन के लिए उन्होंने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आजम खान रामपुर शहर से और अब्दुल्ला आजम सवार टांडा से सपा के प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को, गोवा में भाजपा टूट के कगार पर उत्पल परिकर के बाद गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत
पारसेकर ने भी छोड़ा है बीजेपी का साथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गोवा चुनाव में 2 दिन के अंदर बीजेपी को 2 बड़े झटके लग गए हैं। पहले उत्पल परिकर ने पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके मुताबिक वे भी अब गोवा चुनाव में निर्दलीय उतरने जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत पारसेकर की माने तो अब बीजेपी में कोई भी अपने विचार खुल करके नहीं रख सकता है। जोर देकर के कहा गया है कि अब कुछ बाहरी लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। ये यहां पर भाजपा को गोवा के अंदर तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी में आई है दरार। मोदी योगी के खिलाफ नीतीश कुमार करेंगे प्रचार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के 2 प्रमुख गठबंधन सहयोगी जनता दल और बीजेपी के बीच दरार स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार करने के साथ अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, रैली और रोड शो पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर लगाया है ब्रेक। अब 31 जनवरी तक बढ़ाई गई है पाबंदी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के चुनाव आयोग ने एक बार फिर से रैली और रोड शो पर ब्रेक लगा दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई है और वहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों की इजाजत दे दी गई है। पहले डोर टू डोर कैंपेन 5 लोग ही कर सकते थे। ये यहां पर कुछ छूट दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन रैलियों पर रोक लगातार जारी रहेगी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कांग्रेस ने गोवा में उम्मीदवारों को मंदिर और चर्च ले जाकर के दिलाई है शपथ। जीतने के बाद नहीं छोड़ेंगे पार्टी। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने गोवा के अपने सभी उम्मीदवारों से यह संकल्प लेने को कहा है कि वे विधानसभा चुनाव के बाद जनता और पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। इसके लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मंदिर, चर्च और दरगाह में वफादारी की शपथ दिलाने को लेकर के गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये कदम 2017 के चुनावी नतीजों के बाद हुए घटनाक्रम को देखते हुए उठाया है। ज्ञात हो कि कांग्रेस के टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले 17 में से 15 विधायकों के पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद ने बिगाड़ा है बसपा का समीकरण, सपा का भी मिल सकता है सपोर्ट। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चुनाव का रोमांच बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब उनके खिलाफ भी आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोक दी है। रावण के आने से किसी को परेशानी हो ना हो, लेकिन बसपा की टेंशन जरूर बढ़ गई है। आप लोगों को बताते चलें, बसपा का एक वोट बैंक है जो इस पार्टी को किसी भी हाल में मिलता रहा है। और वहीं अचानक गोरखपुर सदर से चंद्रशेखर आजाद के आने से अब बसपा अपने वोट बैंक को कैसे सहेजे, ये परेशानी उसके सामने खड़ी हुई है। लेकिन इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पर कांग्रेस भी समर्थन दे सकती है चंद्रशेखर आजाद को। ये यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। एक और खबर बताते चलें, यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी से मिला है शिवपाल यादव को टिकट। इस सीट से चुनावी रण में उतरेंगे अखिलेश यादव के चाचा। जी हां दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ये यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव का टिकट तय कर दिया है और 5 साल के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय भी पहुंचे हैं शिवपाल यादव। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, सिंधिया को हराने वाले केपी यादव ने नड्डा को बताई अपनी पीड़ा। पत्र लिख के कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बिगाड़ रहे हैं माहौल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना से पूरी लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव ने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को यादव का शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंत्री सिंधिया और सांसद कृष्णपाल यादव के बीच जारी मतभेद एक बार फिर से सामने आ गया है।
नड्डा को लिखे अपने पत्र में सांसद ने सिंधिया और उनके समर्थकों पर ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के कार्यक्रमों और रैलियों के दौरान भी उनकी उपेक्षा करने और उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव बरेली कैंट से कांग्रेस की प्रत्याशी सुप्रिया एरन सपा में शामिल, अब इस सीट से साइकिल के सिंबल पर लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव। बरेली कैंट से कांग्रेस की प्रत्याशी सुप्रिया एरन और उनके पति पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा ने सुप्रिया एरन को बरेली कैंट सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा की सदस्यता भी दिलाई है। यह यहां पर इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड टीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।